हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेमिक इन द वर्ल्ड। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक इज अ एपिडेमिक व्हिच इज स्प्रेड थ्रू आउट मेनी कॉन्टिनेंट्स। दैट्स व्हाई कोरोना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेमिक। बट एज यू नो कि शो मस्ट गो ऑन, तो व्हाई यू आर स्टेइंग एट योर होम, अब अपने घर पे हो और आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो दैट्स व्हाई आवर स्कूल हैज बीन टेकन दिस इनिशिएटिव कि हम लोग वीडियोस आपको अपलोड करते रहें और आप वहां से यूट्यूब से लेके पढ़ के पढ़ते रहें और आप उसका फायदा उठाएं। इन द सेम सीक्वेंस टुडे आई एम टीचिंग यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक फर्स्ट राइट। उस चैप्टर का नाम है पहले चैप्टर का नाम है A letter to God, which is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes, जो कि इसके ऑथर हैं, उनका पूरा नाम है Gregorio Fuentes. He was born July 11, 1897, and died January 13, 2002. Was a fisherman, born in Canary Island. As a teenager, worked on cargo ships with his father. He migrated permanently to Cuba when he was 22. Fuentes, a lifelong cigar smoker, died from cancer in 2002. This was all about author. अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है A Letter to God. As the name suggests, it's a very ironic. जैसा कि इसका नाम है A Letter to God, it's a very ironic. विरोधाभास। किस तरह से कोई व्यक्ति गॉड को लेटर लिख सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज गॉड हैज नो एड्रेस। उनका कोई आता पता, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन इस लेटर में द चैप्टर इज बेसिकली इज अ काइंड ऑफ आयरनी। द चैप्टर रिवॉल्व्स, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फार्मर हु हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में बहुत विश्वास होता है, अनवेवरिंग अनशेकेबल बिलीफ इन गॉड उसका है, विश्वास भगवान में है। स्टोरी में होता क्या है, अभी मैं शुरू से आपको स्टोरी की समरी देने की कोशिश करूंगा, आप उसको अच्छी तरह से सुनना। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फार्मर हुज नेम इज लेंचो। लेंचो वो एक हिली एरिया पे रहता है, हिली एरिया साइड में उसका आइसोलेटेड एक सिंगल घर है उसका। वहां पे पास में एक नदी बह रही है और पास में उसका खेत है और उसके खेत में कॉर्न क्रॉप अच्छी तरह से, कॉर्न क्रॉप जिसको बोलते हैं भुट्टे की फसल, वो अच्छी तरह से पक्के अच्छी तरह से तैयार है। द होल क्रॉप वॉज डॉटेड विद व्हाइट फ्लावर्स, उसमें फूल लग चुके हैं। द क्रॉप वॉज नीडेड ओनली शॉवर, ड्रिजल माइट बी डाउनपोर, या तो बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी होती। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर द रेन। सुबह से ही वो आसमान की तरफ देख रहा था और अपने घर में अपनी वाइफ से कह रहा था कि शायद आज बारिश हो, बिकॉज माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स वर हॉवरिंग ओवर देयर, वहां पर आ रहे थे। उसने अपनी वाइफ से कहा कि लगता है बारिश अच्छी होगी। विद नो सूनर, थोड़ी देर में बारिश होनी शुरू हुई। हिज एल्डर सन्स वर वर्किंग इन द फील्ड आउट देयर, और उसके जो छोटे बच्चे थे घरों के आसपास खेल रहे थे। शाम को जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई, लेंचो बहुत खुश हो गया, अपनी वाइफ से बोला देखना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। पानी की बूंदें गिर रही थी, उसने कहा जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के बराबर है। ऐसा उसने क्यों कहा? इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि उसने बारिश की बड़ी बूंदों को 5 सेंट्स और छोटी बूंदों को 5 सेंट से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि उसके खेत को पानी की बहुत जबरदस्त जरूरत थी और अब उसको लग रहा था कि उसकी जो यील्ड है, उसका प्रोडक्शन, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी और बाजार में बेच के उसको अच्छे पैसे मिलेंगे।
और धीप जब बारिश होनी शुरू हुई तो बच्चे बाहर चले गए और एंजॉय कर रहे थे. लेंचो बहुत खुश हुआ, बट इट वॉज हिज शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस. थोड़ी देर के लिए खुश था. द रेन टर्न्ड इनटू हेल. अचानक ओले गिरने शुरू हो गए. लेंचो ने सोचा थोड़ी देर की बात है, हो सकता है ये चला जाएगा. बट इट डिडंट हैपन. ऐसा नहीं हुआ. ओले बड़ी देर तक पड़ते रहे. ओले पड़ने के बाद जब लेंचो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि थ्रू आउट कॉर्न क्रॉप वॉज फुल्ली टोटली डिस्ट्रॉयड. नॉट अ सिंगल लीफ वॉज रिमेन ओवर देयर. और आसपास के जितने पेड़ थे उनके ट्विग्स, उनकी टहनियां, ब्रांचेस में कोई सिंगल लीफ वॉज नॉट देयर. सब कुछ, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एंड देयर वॉज ऑल ओवर व्हाइट शीट ऑफ हेल. लेंचो बहुत दुखी हुआ. बोला अभी क्या हो सकता है. ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस. उसने अपनी वाइफ से कहा इस साल अब क्या हो सकता है, लगता है भूखे मरेंगे. बहुत दुखी हुआ वो. बट रात को अपनी वाइफ के साथ उसने कहा कि इन द आई ऑफ गॉड. उसे पता था, ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. उसको पता था. उसने कहा कि नॉट सिंगल वन इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हंगर दिस ईयर. कोई भूख से नहीं मरने वाला, बिकॉज इन द आई ऑफ ऑलमाइटी, भगवान की नजर में वो सबको देखता है, सबकी अंतरात्मा को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है. कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ही. और लेंचो ने नेक्स्ट डे भगवान को एक लेटर लिखने बैठ गया. उसने गॉड को एक लेटर लिखा. लिख के नेक्स्ट डे वो टाउन आया, शहर आया. वहां पर उसने वो लेटर डाल दिया, लेटर बॉक्स में उसने वहां पे डाल दिया. एंड देयर वाज पोस्टमैन. पोस्टमैन ने वो लेटर लिखा, वो लेटर लिया. जैसे लेटर खोला ही वाज बर्स्ट इनटू लॉफ्टर. बहुत हंसा. उसने सोचा आजकल के जमाने में ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो कि गॉड को लेटर लिख रहे हैं. बताइए. वो लेटर लेके पोस्टमास्टर के पास गया, ऑफिसर पोस्टमास्टर के पास. पोस्टमास्टर ने जैसे वो लेटर देखा वो भी सडनली बर्स्ट इनटू लॉफ्टर. बट नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट वेरी सीरियस. वो बहुत सीरियस हो गया. एक्चुअली ही सॉ द नेक्स्ट साइड ऑफ द कॉइन. अब उसे समझ में आ गया पोस्टमास्टर को. उसको लगा कि आजकल के जमाने में ऐसे लोग हैं जिनका भगवान में इतना विश्वास है कि वो भगवान के साथ कोरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, भगवान को पत्र लिख रहे हैं. ही वॉज अ वेरी गुड मैन. पोस्टमास्टर वॉज अ वेरी गुड मैन. ही वॉज वेरी एनेबल मैन. फ्रेंडली आदमी था वो. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द फेथ ऑफ ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द फेथ विद गॉड That was established by Lencho. Lencho के विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था. That's why he took firm decision. Postmaster ने उसने कहा इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा. फिर postmaster ने जैसे ही वो letter खोला, उसको पढ़ा. It was much more needed. उसमें तो लिखा हुआ था. उसने वो letter पढ़ा postmaster ने. उसमें लिखा हुआ था कि यू गॉड. लेंचो ने लिखा था उस लेटर में कि लेंचो ने लिखा था उस लेटर में कि मुझे 100 pesos की जरूरत है टिल द नेक्स्ट क्रॉप गेट्स प्रिपेयर्ड एंड अंटिल देन टू सर्वाइव. और ड्यूरिंग दैट टाइम सर्वाइव करना, घर में खाना पीना खाने के लिए, इसके पहले कि अगली फसल तैयार हो. तो लेंचो ने लिखा था गॉड से कि गॉड 100 pesos आप हमें भेज दो. तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, अपनी सैलरी का काफी कुछ हिस्सा और जितने भी वहां पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सब से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया और अपने फ्रेंड से भी एज ए चैरिटी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी अपने दोस्तों से भी उसने पैसे लिए. इट वॉज ऑल कलेक्टेड एंड लेकिन वो पैसे 100 pesos नहीं मिल पाए, नहीं हो पाए. फिर भी जितना हुआ मोर देन हाफ, 100 pesos का मोर देन हाफ जो भी हुआ उसने उसको एक एनवलप में डाला, सारे पैसे डाल के रख दिया. अगले हफ्ते लेंचो फिर से आया पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस जैसे ही आता है
वहां पर पूछता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया हुआ है, पोस्ट पोस्ट मास्टर जिसे लगा कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है और रियली ही डिड नो डाउट, उसने बहुत अच्छा काम किया पोस्ट मास्टर ने, उसे लगा कि लेंस को जैसे ही एनवलप मिलेगा वो लेटर मिलेगा और पैसे देखेगा कितना खुश हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही पोस्टमास्टर लेंचो ने पूछा वहां पर क्या मेरा कोई लेटर आया, लोगों ने कहा हाँ। जैसे ही उसको एनवलप दिया गया लेंचो ने वहां पर खड़े होके उसके चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बता रहा था कि कैसा है। लेंचो ने एनवलप लिया, पैसे काउंट किए, सडनली ही गॉट एंग्री, अचानक लेंचो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि मैंने तो गॉड से 100 pesos मांगे थे और उसमें कम पैसे। He was not even surprised. He was not surprised even slightest. थोड़ा सा भी surprised नहीं हुआ पैसे देख के। Why? Because he had great faith in God. उसे पक्का पता था ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, क्योंकि मैंने भगवान को लेटर लिखा था। उसे पता था कि भगवान किसी की बात नहीं टालता। He is almighty. वो सबको देख रहा है। He had unwavering faith in God. लंचो ने वहां से एक पेपर और पेन लिया और वहां पर राइटिंग डेस्क पर वहां पर लिखना शुरू हो गया। उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान को, लंचो ने गॉड मुझे उसने लेटर पर लिखा गॉड आई रिसीव्ड ओनली 70 pesos। उसने कहा गॉड आई रिसीव्ड ओनली 70 pesos, अभी 30 pesos रह गए, प्लीज सेंड रेस्ट ऑफ द मनी एट माई एड्रेस, यहां पर मत भेजना। उसने लिखा गॉड क्योंकि मुझे बाकी के 30 pesos आप भेज दो, मुझे उसकी सख्त जरूरत है। और हाँ एक चीज याद रखना गॉड, उसने लेटर में लिखा कि बाकी के जो मनी है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहां के लोग बहुत ही क्रूक्स हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। उसने ऐसा लिखा कि यहां के लोग बहुत ही चंट है, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज बोले तो यहां के लोग बहुत ही चंट है, तो प्लीज यहां के एड्रेस से पैसे मत भेजना अगली बार, सीधा हमारे यहां भेजना। और ऐसा लिख के फिर उसने बोले तो वहां पे ड्रॉप कर दिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इस यहां पे इस चैप्टर के बीच बीच में कुछ चीजें आती हैं जिसमें से कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर एक बात आती है कि जब लेंचो जब बाहर निकल के देखता है द होल क्रॉप वॉज टोटली डिवास्टेटेड, टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्स। उसको देख के लेंचो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट समथिंग बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। उसने ऐसा कहा, उसने कहा कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का अगर आपने सुना होगा, जो टिड्डियां आती हैं, टिड्डियों का ग्रुप आता है, पहले आता था, फार्मर्स के खेत में उतरते थे, वो लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। एक्चुअली ये ऑर्थोपोड्स होते हैं, अगर हम साइंस के लैंग्वेज बोलेंगे ऑर्थोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ढेर सारे इनका ग्रुप आता है और क्रॉप के ऊपर आता है और उसको विद इन नो टाइम पूरा खेत बर्बाद कर देता है। तो लंचो यहां पर कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट समथिंग, अगर टिड्डियों का दल अगर यहां पर आता तो शायद मेरी फसल कुछ रह जाती, बट हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा यहां पर, उसने ऐसा कहा। और इस तरह की और भी चीजें आती हैं कि लेंचो ने जब वो एनवलप देखा 70 pesos का, जैसा कि पोस्टमास्टर होप उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो खोलेगा लेंचो और पैसे गिनेगा तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, अनशकेबल फेथ इन गॉड। उसे पता था भगवान ने पैसे भेजे, उनको भेजना ही पड़ेगा, क्यों नहीं भेजना पड़ेगा, हम उनके बच्चे हैं, उनको भेजना पड़ेगा, भगवान ने ही भेजा होगा। That's why he was not surprised when he received 70 pesos। और लास्ट में उसने लेटर में लिखा कि भगवान इस बार जो बाकी के पैसे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये लोग बहुत चीटर हैं, ये लोग चीटर हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इनके थ्रू मत भेजना। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि 30 pesos कम थे,
और नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट मास्टर ने पैसे कैसे कलेक्ट किए, तो आप कह सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहां पर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एज अ होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, और देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप इसको रोक रोक के भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर लिखना, देना जरूर। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइंस। व्हाट वॉज लेंचो'स फीलिंग when hail did not stop. Three questions. Here goes the fourth one. Why did Lencho write a letter to God? Very simple. Why did Lencho, when did Lencho receive the letter? What made him angry? Gussa kyun ho gaya? Why did Lencho call the post office employees as bunch of crooks? Aisa kyun kaha usne? How did employees help Lencho? What did Lencho write in his second letter? तो इस तरह के questions मैंने आपसे पूछे, आप इसको reply करना, आप इसको well prepared होना, and with these words I would like to stop my video and hope कि आप इसे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम आप class में face to face interact होते हैं तो उसका इंपैक्ट कुछ अलग ही पड़ता है, बट यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड आई होप दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज मच मोर थिंग दैट्स दैट वी हैव बीन शेयरिंग विद ईच अदर। तो इस तरह के और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे, हमारा स्कूल के जो टीचर्स हैं वो डालते रहेंगे, और आप उससे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।